मैं पुरुषोत्तम चौधरी। पुरुषोत्तम चौधरी जी, जी जी पुरुषोत्तम चौधरी जी, हर किसी एक फिल्म जब बन रही होती है तो उसके पीछे कैमरामैन और जो कैमरे के पीछे के जो लोग होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ हाँ। तो आप इतने टाइम से बड़ी बड़ी फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, हर तरह की फिल्मों में आपने कैमरे के पीछे काम किया है, तो आप अपने आपका जो अनुभव अमिताभ जी के साथ है उसके बारे में आप बताइए कि आपका अनुभव इनके साथ कैसा रहा। अमिताभ जी के साथ अनुभव मतलब बहुत सही रहा, क्योंकि ट्यूनिंग ना हमारी बहुत पुरानी है जी। हमने एक पंजाबी फिल्म किया था दुल्ला भट्टी, उससे पहले भी किए थे यारा दोस्त जी। तो उस समय से हमारी जो जब भी हम शॉट लेते थे ना जी। तो ये बताते भैया थोड़ा मैं ये सोच रहा हूँ एंगल अलग से जी। जब अलग से एंगल सोचते थे मैंने चलो देखता हूँ, मैं देखता था बहुत करेक्ट होता था हमारा, जैसे 90 और 100 वाला सीन था जी। ये 99% पर थे तो हम 100 पर थे, तो हमारा जो एंगल होते थे ना बड़ा सेम होते थे। और लाइटिंग थीम भी सोचते थे कभी कभी, यार भैया मेरे को ऐसा चाहिए था, इस टाइप का चाहिए था, जब हम डिस्कस करते थे जी। तो बड़ा श्योर रहते थे। आज तक किसी सेट पे ये नहीं हुआ कि यार हमने बोला तो इनको पसंद आया और ये इन्होंने बोला तो हमें पसंद नहीं। हम लोग की ट्यूनिंग बड़ी पुरानी है और बहुत अच्छा से काम करते हैं सेट पे। उसका रीज़न यही है कि थीम और सोच जो है बहुत मिलता है हम लोग। वो तो आज आपकी आप दोनों की जो अंडरस्टैंडिंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग साइड पे भी देखा है डायरेक्शन और कैमरामैन की। तो अच्छा, ये एक फिल्म सोशल कॉज के ऊपर इस फिल्म को बनाया गया है, इसके लिए इसकी शूटिंग हुई, तो उस फिल्म के बारे में कुछ ये फिल्म तो मुझे जब कंसेप्ट बताया इन्होंने, फ़ोन पे एक दिन बताया था भैया ऐसा मैं कंसेप्ट सोचा हूँ जी, जी। क्योंकि ये कंसेप्ट इतना स्ट्रांग है कि कोई भी इंसान हो अगर उसकी वो देख ही ना पाए जी। इस दुनिया को देख ना पाए, वो बहुत बड़ा मतलब वो आएगा यार क्या करोगे पैदा होगे देख नहीं पा रहे हो। अंधा आदमी के लिए सबसे वो है कि यार ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। तो इन्होंने इस टाइप का कंसेप्ट बनाया है कि आँख जो है एक बहुत बड़ा ज़िंदगी के लिए वो रखता है, मायने रखता है जी, जी। और इन्होंने मतलब जिस तरीका सोचा है कि जो आदमी जिंदा होता है जिसकी आँख नहीं है और लोग मरने के बाद उस बंदे को ऐसे ही छोड़ देते हैं, पर उसको उसकी आँख यूज हो सकती है, डॉक्टर के थ्रू है कि मतलब आँख उसकी यूज हो सकती है, लेकिन तब भी लोग देते नहीं हैं जी, जी, जी। पर इस चीज़ को इन्होंने जो दिखाया है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था चौधरी साहब। एक आखिरी सवाल, अब तक कितनी फिल्मों को शूट कर चुके हैं आप? सर फिल्म तो बहुत सारी की जी, अभी कुछ पोस्ट पे हैं और ऐसे काउंटिंग क्या बताया जाए ना, छः सात तो हो चुकी है, जो कि तीन रिलीज भी है जी, जी, जी। और छः सात एक हिंदी भी आने वाली हम जमी करके, जो संजय मिश्रा उश्रा जी सब लोग हैं पुराने आर्टिस्ट हैं, और एक नेक्स्ट अभी फिर पंजाबी करने जा रहा हूँ, नानक नाम का है मतलब टाइटल है, तो अभी उसकी मीटिंग चल रही है, लोकेशन देख रहे हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।